एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है इंदु सरकार। अपनी जवान लड़की की मौत देखी है मैंने सरकार से लड़ते हुए, अब किससे क्या डरूं। किशोर कुमार ने हमारे रैली में गाना गाने से मना कर दिया, एक काम करो उसे ऑल इंडिया रेडियो में बैन कर दो। तुम अपने प्रांतों में 350 नहीं 700 लोगों की नसबंदी करोगे। ये सरकार चैलेंजेस से नहीं चाबुक से चलती है। वेल फ्रेंड्स, मधुर भंडारकर की फिल्म 555 के सिगरेट के डब्बे में एक बीड़ी की तरह है। बेहतरीन डायलॉग्स, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करके गए थे वो हमें नहीं मिलता। फिल्म इतनी बोरिंग है और इतने स्लो पेस पर चलती है कि आपको लगता है कि जो लोगों ने इस फिल्म के लिए प्रोटेस्ट किया था या फिर नहीं किया था वो क्या एक मजाक कर रहे थे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं तो इस फिल्म को एक रुपया भाव भी नहीं देता। प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, क्योंकि फ्रेंड्स ये फिल्म कोई पार्टी को या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को अटैक नहीं करती। ये फिल्म खुद में एक मजाक है, क्योंकि फ्रेंड्स मधुर भंडारकर का एक टाइम था जब वो हमें दिग्गज फिल्म देते थे सिर्फ हीरोइन तक, उसके बाद उनको क्या हो गया पता नहीं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स इंदु सरकार तो उन्होंने ऐसा लगता है कि मतलब सो के बना दी। फ्रेंड्स सीरियसली स्पीकिंग 1975 का जो टाइम था, जो वहाँ पे ना तकलीफें हुई थी लोगों को, इतनी अच्छी तरीके से दर्शाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको आर्ट डिपार्टमेंट में, सेट डिजाइनिंग में जूनियर आर्टिस्ट तो ऐसा लग रहा था फिल्म के कि उन लोग को चाय में नींद की दवाई मिला दी है। इतनी वाहियात एक्टिंग, और एक सीन में तो यू नो जब ट्रैक्टर चलता है तो दीवार के बदले कार्डबोर्ड गिरता है। आई मीन फिल्म सिटी में सेट लगा के आप इतने बड़े टॉपिक पे फिल्म बना रहे हो, इतने बड़े लोगों की आलोचना कर रहे हो, और फिल्म बन के आती है इंदु सरकार। फिल्म पहले के 45 मिनट अगर आप जेल लो थिएटर में बैठ के तो मेरा आपको सलाम रहेगा। स्टार्टिंग का सीन फ्रेंड्स इतना टेंस सीन है। गवर्नमेंट ने वहाँ के गांव में मुबीनपुरा में, सब मुसलमान गांव रहता है वहाँ पे, वहाँ लोगों की नसबंदी करने का ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट ने, वहाँ की सरकार ने। तो फ्रेंड्स पुलिस जाती है उस गांव में लोगों की नसबंदी करने के लिए। इतना इंटेंस सीन, उसमें जो एक बच्चा रहता है वो कहता है अरे मुझे छोड़ दो मैं सिर्फ 13 साल का हूँ। बूढ़ा कहता है अरे मेरी नसबंदी क्या करोगे मैं तो सिर्फ 70 साल का हूँ। वो सीन इतना अच्छा हो सकता था फ्रेंड्स, लेकिन मधुर भंडारकर ने, इंग्लिश भाषा में बोलूं, ही हैज मेड अ मॉकरी ऑफ दिस मूवी। अनुपम खेर साहब दिग्गज कलाकार, आई मीन इससे अच्छा कलाकार हमारे इंडस्ट्री में आज तक मिला नहीं। उसने जो नाना जी का कैरेक्टर निभाया इस फिल्म में, आई मीन एक सीन लिटरली वो कह रहा है कि अमेरिकन डेलीगेट्स आने वाले हैं सरकार को, सरकार बताने वाली है हमारा देश कितना अच्छा है, शाइन इंडिया, ब्राइट इंडिया, हम उनकी सभा में जाकर पर्चे उड़ाएंगे, क्या आप तैयार हो। आई मीन इतना कॉमेडी लगता है, कभी अनुपम खेर गंजा है, कभी दाढ़ी लगा दी, कभी उसको बाल लगा दिए, एक्टिंग अनुपम खेर ने ऐसा लगा उसे जबरदस्ती इस फिल्म में कराई है। और फिर जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई इस फिल्म के लिए, मैं आपको बता दूं, नील नितिन मुकेश का फिल्म में गिन के 15 मिनट का रोल है, जिसमें नील नितिन क्या करता है मैं आपको बताता हूं। तुम भूल चुके हो कि मैं सब जानता हूं, इस सरकार में होते हुए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ हमारा राज चलेगा। वेल फ्रेंड्स, जब आप दिखाना चाहते हो कि आपका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि संजय गांधी का कैरेक्टर है, वो उसने असलियत में ये सब किया हो, तो फिर एक ऐसे कैरेक्टर को लो जो एटलीस्ट कन्विंसिंग लगे। सिर्फ यहाँ तक तो उसके बाल उड़ा के, उसको उसके ऐसा लुक देखकर, आई मीन कुछ नहीं हो सकता था। लोगों ने कहा है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने मर्सीलेसली चॉप कर दिया, लेकिन फ्रेंड्स अगर इसको सेंसर बोर्ड ने मर्सीलेसली चॉप नहीं भी किया होता तो फ्रेंड्स ये कहानी एक लड़की इंदु की है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसके आगे कहीं नहीं जाती फिल्म, कनेक्ट नहीं होती। फ्रेंड्स रात के 10 बजे का शो में गया था, 5 लोग थे थिएटर में, गिन के 5 लोग, शो कैंसिल होने के कगार पे था, लेकिन फिर भी मैं इस फिल्म को सर्वाइव करके आया हूँ। फ्रेंड्स सीरियसली स्पीकिंग, आई मीन क्या सोच के मतलब मधुर भंडारकर इस फिल्म में कूदा। इंदु कोई भी एंगल से एक 18 साल की लड़की नहीं दिखाई देती। 1975 की स्टोरी है, 1975 की जब स्टोरी है, और 57 में बॉर्न हुई है, 67 है ना, 20 साल तो होनी चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 22-23 साल की। कोई भी एंगल से कृति कुराले 18 साल की लगती नहीं हो। फ्रेंड्स किसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, आई मीन पूरा देश जब आंदोलन कर रहा है,
एक गांव का आंदोलन आप दिखा के आपको पूरे उस सिस्टम को आप खराब बताना चाहते हो। मैं जानता हूँ वो टाइम पे वहाँ की गवर्नमेंट और चीफ जो दिखाया गया इस फिल्म में, उन्होंने काफी खराब डिसीजन लिए थे, जैसे कि नसबंदी का जो अभियान था। लेकिन फ्रेंड्स उस अभियान में एक 5 पॉइंट अभियान था, वो बात किसी ने नहीं दिखाई। क्योंकि फ्रेंड्स 5 अभियान जो था उसमें पहला था पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल करना था, और इसी के तहत नसबंदी ऑर्गेनाइज की गई थी वहां पे। बहुत ही घटिया डिसीजन था। मैं जब वो सीन देख रहा था मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था मैं कि क्या हो रहा है ये। लेकिन फ्रेंड्स उसको जो दर्शाने का तरीका वो भी एक होता था, दहेज रोकना, शहर की ब्यूटिफिकेशन। और फ्रेंड्स ये फिल्म में हमने कितनी बार देखी है कि एक गांव है और उस गांव में हमको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डर गांव को तोड़ देता है, आग लग जाती है। अरे नाना पाटेकर ने इसी फिल्म में कितनी बना चुकी है, उसको पॉलिटिकल एंगल देने की क्या जरूरत थी। वेल फ्रेंड्स सीरियसली स्पीकिंग ये फिल्म कहीं नहीं जाती। आई मीन स्टार्ट होते ही फिल्म ऐसा लगता है कि ये कोई फेस्टिवल की मूवी है, क्या मैं कोई रीजनल लैंग्वेज की फिल्म देख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आते हैं रिव्यू ऑफ द फिल्म इंदू सरकार पर। तो इंदू सरकार की कहानी शुरू होती है मुबीनपुरा से, जहाँ पे लोगों की नसबंदी की जाती है, जबरदस्ती लोगों को घसीट के घरों से लेके आते हैं उनको नसबंदी करने के लिए। और हमें दिखाए थे कि इंदू एक 18 साल की लड़की है और किस तरह से बचपन से ही वो हकलाती है। मुकेश त्यागी मधुर भंडारकर पिछले 15 साल से पेज 3 में हर पार्टी में हाय है मुकेश त्यागी, हीरोइन में हाय है मुकेश त्यागी, चांदनी बार में हाय है मुकेश त्यागी, कॉर्पोरेट में हाय है मुकेश त्यागी, फैशन में हाय है मुकेश त्यागी। अरे मुकेश त्यागी तुम हर फिल्म में एक पार्टी में आके हाय है मुकेश त्यागी बोलते हो। सीरियसली स्पीकिंग वो आपस एक पार्टी होती है जहाँ पे गाना बज रहा है और हकलाते हुए हमारी हीरोइन प्रीति कुल्हारी, हम एक फिल्म देखने आए हैं, आई नो यू आर अ वेरी गुड एक्ट्रेस, लेकिन हकलाने की एक लिमिट होती है। बैरी जॉन ले लो, किशोर नमित कपूर की क्लासेस अकेडमी ले लो, विस्लिंग बुड्स ले लो, अनुपम साहब की खुद की एक्टिंग ले लो, बोलते हैं जिस स्टैमरिंग एक्ट जो होता है उसमें जो पेस मेंटेन करनी होती है वो एक लेवल पे होती है और उस पेस को मेंटेन करना होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जब हकला के डायलॉग बोलते हो तो एक पेस मेंटेन करना होता है आपको। आप कभी भी आपका मन किया तो नहीं हकला सकते हो, ऐसे सर्टन पैटर्न जो हकलाने का रहता है। इसमें कृति कुआरी उसको जब मन करता है वो हकलाती है और एंड में क्लाइमैक्स में तो बिना हकलाए पटपराहट दे देती है। तो फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है फ्रेंड्स, और हमें पता चलता है कृति कुल्हारी एक अनाथ लड़की है और अभी वो पहले एक पति ढूंढ रही है, इसलिए शादी के एक सम्मेलन में गई है। फ्रेंड्स वहाँ बहुत सारे लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि चल के दिखा, तो मैडम को चलने में बहुत दिक्कत होती, तो बोलती मैं हकलाती हूँ, तो तू हकलाती है तेरी शादी नहीं हो सकती, बहुत लोग उसे रिजेक्ट कर देते। वहाँ पर एक घटिया सा दिखने वाला हीरो का नाम फिल्म में टोटा रॉय चौधरी। मधुर भंडारकर आपके ऑफिस में कितने बेहतरीन दिखने वाले लोग आते हैं रोज के रोज। भंडारकर एंटरटेनमेंट के जो प्रोफाइल बुक है खोल के देखिए जरा, अगर आपको टाइम मिले ऐसी बंडल फिल्म बनाने से तो खोल के देखिए, एक से एक कैंडिडेट्स आते हैं आपके वहाँ ऑफिस में। आपने लिया टोटा रॉय चौधरी को, तो सिगरेट पीते हुए ऐसा लग रहा है कि औरत उसके नजदीक नहीं जाए। और हमारी हिंदू जाके बोलती है आपको कोई लड़की पसंद नहीं आती, आपने अभी तक शादी नहीं की। वेल फ्रेंड्स जो ये जो संजय गांधी इंदिरा गांधी के कैरेक्टर्स इस फिल्म में इसलिए रखे, मैं आपको फ्रैंक बताता हूँ, ताकि इस वाहियात फिल्म के तरफ से ऑडियंस की नजरें हट जाए और लोगों की नजरें पड़ जाए इन दोनों कैरेक्टर पर और फालतू की कंट्रोवर्सी। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर संजय गांधी आके फिल्म देखता तो वो भी हंस हंस के बाहर चले जाता था कि क्या बनाया मधुर भंडारकर ने। सीरियसली स्पीकिंग फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है, कृति कुलारी और वो जो टोटा रॉय चौधरी है वो दोनों कॉफी हाउस में बैठ के खाना खाते खाते शादी कर लेते हैं। और फ्रेंड्स उस पार्टी में आते, जो पार्टी फ्लैशबैक दिखा रहे हैं जहाँ पे वो पोएट्री बोल रही है, मेरी बिंदी जैसे चांद का टिक्का तेरे हाथों की लकीर है। वहां पर बड़ा बिल्डर आता है जो कि गवर्नमेंट में काम करता है और उसकी कविता सुन के बोलता है वाह 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 वाह, मेरा एक स्पीच वहां के भी कविता तू लिख के दे। तो फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ते हुए पता चलता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल और कृति कुलहारी का पति टोटा रॉय चौधरी एक बहुत ही बड़ी झुग्गी झोपड़ी को तोड़कर वहां पे बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स इसमें 1 घंटा चले जाता है और 1 घंटे तक नील नितिन मुकेश नहीं आता, लेकिन नील मुकेश की एंट्री होती है तब थोड़ा फिल्म में मजा आता है। नील मुकेश कहता है कि मैं सब सरकार चलाता हूँ और कूल स्वैग एंड एटीट्यूड, नसबंदी करा लो, अगर मन किया तो तुम्हारी भी नसबंदी करा लो,
वेल फ्रेंड्स, मुझे लगा था कि मधुर भंडार के जाने क्या के बैठा था उसके बाजू में संजय गांधी के सुनने के लिए। अच्छा ऐसा सब बोल रहा है, ठीक है ठीक है। और देखो सबसे फनी सीन फिल्म का वो है, चलता सूरज धीरे धीरे वो गाना, इससे अच्छा तो दरगाह में लोग गाते हैं यार। आई मीन 12 मिनट का गाना, सीरियसली स्पीकिंग 12 मिनट का गाना, चलता सूरज हंस के पेट खराब हो जाए। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ऑफ एडवाइस, अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने मत जाना, इतनी वाट लगेगी आपके फिल्म में, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है किस तरह से वहाँ पे गांव में अटैक हो जाता है, वो झुग्गी झोपड़ी पे वहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है, जूनियर आर्टिस्ट इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई डी ग्रेड मूवी की शूटिंग चल रही है। और वहाँ पे उनको दो बच्चे मिलते हैं, कृति कुलारी, कृति गुलारी उनको घर पे लेके आती है, पति बोलता है सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलना मैं मार डालूंगा तेरे को, कृति गुलारी बोलती नहीं मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती, वो बोलता है ये नक्सल के बच्चे इनको छोड़ दे साले जाके, और कृति कुलारी बोलती मैं उनको नहीं छोड़ूंगी मैं इनको अपने साथ में रखूंगी। मेरे फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है, कृति कुलारी उनके बच्चों को माँ बाप को ढूंढने जाती है, वहां पे उनके माँ बाप नहीं मिलते, तभी उड़ता पंजाब में जो पुलिस था वो उनको मिलता है, कहता मदद करूंगी करूंगा, लेकिन कृति कुलारी कहती है कि मेरा पति बहुत बड़ा वो है गवर्नमेंट में काम करता है, तो वो बोलता है मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, और बच्चों को बोलती है बच्चे को लेके मैं भाग जाऊंगी। तो फ्रेंड्स कहानी आगे चढ़ती है और उनके माँ बाप को नक्सल बता दिया जाता है, और किस तरह फ्रेंड्स कृति को यार इंटरवल से पहले पति को छोड़कर चली जाती है, यहाँ पे इंटरवल होते हैं फिल्म में, मेरा मन किया इंटरवल में चले जाऊँ घर पर, सीरियसली आई हैड इनफ इंटरवल, लेकिन मैं बोला चलो अभी आगे मधुर भंडार कुछ करेगा। फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है और वहाँ पे बिल्डर रहते हैं, उसके पति को बोलता है अरे भाई तू उसको डिवोर्स दे दे भाग कराएगी तेरी बीवी तेरे पास, उसको डिवोर्स देता है, कृति कुलारी बोलती है भाग तेरी माँ का, डिवोर्स दिया मेरे, वो भी साइन करके डिवोर्स पेपर भेज देती है, सब कहानी उल्टी हो जाती है। पति बोलता है अरे बच्चों को साले खींच के लेके आ जाओ, पुलिस बच्चों को लेके खींच के वापस लेके आ जाती है फ्रेंड्स, और तभी एंट्री होती है नाना जी की, अनुपम खेर, अनुपम खेर आते हैं हिम्मत इंडिया फाउंडेशन से। और फ्रेंड्स ये जितनी भी लड़ाई है मैं आपको आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आपको लगता है कि पागल क्या बोल रहा है बैठ के, जाके फिल्म देख कर आओ फ्रेंड्स, सीरियसली बोल रहा हूँ जाके फिल्म देख कर आओ, कोई मेंटली स्टेबल आदमी इस फिल्म में नहीं बैठ सकता, सीरियसली बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। कहानी आगे बढ़ती है और अनुपम खेर कहता है कि तुम कविताएं लिखो, किसको कृति कुमार, कविताएं लिखो देश के उन्नति के लिए, कविताएं लिखो कविताएं, हम लोग अच्छा सा आंदोलन करेंगे। बेचारा स्लमडॉग मिलियनेयर वाला जो रहता है सबको भिखारी बनाता है, वो इस पिक्चर में बोलता है हम आंदोलन करेंगे, आर्डियंस फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे, नहीं कविता ही लिखो कविता ही लिखो, तो कविता ही लिखते रहते फ्रेंड्स। और उसी दौरान नील नितिन मुकेश कहते हैं कि जितने लोग हैं जो हमारी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं उनको पकड़ लो, अरेस्ट कर लो आप लोग सब लोग, और जो भी हो रहा है गंदे तरीके से हो रहा है हमारी सरकार को नहीं गिराना चाहिए। तो फ्रेंड्स वो तो हर सरकार करती है, अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो अभी सरकार आपका मुंह बंद करने की कोशिश करेगी, तो ये कोई नई बात मधुर भंडारा का नहीं दिखा रहा है कि नहीं। कहानी आगे बढ़ती है और उदीन आ जाता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन फाउंडेशन वाले आने वाले, और कृति कुलारी बोलती है गवर्नमेंट डाउन डाउन इमरजेंसी डाउन डाउन, इतना बड़ा सरकारी फंक्शन और वहां से लोग भाग जाते हैं, कृति कुलारी पकड़ी जाती है उसको थप्पड़ मारते हैं, और तुम माँ बेटों की गुलामी जिंदगी भर करना, आई मीन जस्ट फॉर सिनेमैटिक इफेक्ट आप डायलॉग यूज करो, बहुत अच्छा डायलॉग, मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि यू नो माँ बेटों की सरकार जिंदगी पर झेलने पड़ी थी हम सबको, लेकिन फ्रेंड्स जस्ट फॉर सिनेमैटिक इफेक्ट, आई मीन वो हिट तो करना चाहिए ऑन द स्पॉट वो सीन। तो फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है और एंट्री होती है, ये फिल्म में सब जितने लोग इनको काम नहीं है इंडस्ट्री में सारों को लिया गया, प्रवीण दबास, प्रवीण दबास कौन है मैं समझाने जाऊँ तो रात हो जाएगी, प्रवीण दबास यू नो जाके कृति कुलहारी अनुपम के सबको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ने में कामयाब होता है, एंड में कृति कुलहारी को अरेस्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स क्लाइमैक्स में टॉर्च वाला मेरे को आके बोल के गया भाई आपको जाने वह, मैं बोला नहीं मेरे को पूरी पिक्चर देखनी है, 15 मिनट का अमिताभ बच्चन जैसा स्पीच, नो मीन्स नो, अगर ये गुनाह है तो गुनाह है, कृति कुलहारी को अमिताभ बच्चन बना दिया गया, आई मीन जरा इमोशन नहीं आता फ्रेंड्स, सीरियसली स्पीकिंग कोई इमोशन नहीं आता मुझे, सीरियसली स्पीकिंग आई मीन क्या उसने एंड में स्पीच दिया है और अंत में दो बच्चे आके यूनाइट हो जाते हैं, आई मीन वॉज दिस अ फाइट, क्या ये जंग कृति कुलहारी की देश के यू नो जो देश को गंदी तरीके से चला रहे हैं उनके खिलाफ थी, क्या वो अपने पति के खिलाफ थी, क्या उन बच्चों के लिए थी जिनके माँ बाप नक्सल ना होते भी उनको मार दिया, यही जाल भंवर में मधुर भंडारकर खुद फंस गए, और नील नितिन मुकेश का कैरेक्टर और इंदिरा गांधी का कैरेक्टर लेके ऑडियंस इसको
बहका दिया, भटका दिया। और जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा, ये फिल्म 555 के सिगरेट डब्बे में बीड़ी है। इंदिरा गांधी जो पोस्टर में इतनी बड़ी दिखाई गई है, इस फिल्म में बस अंत में अपने बाल लहरा कर गॉगल पहन के जाती है। ये रिव्यू किसी को हर्ट करने के सेंटिमेंट में नहीं था फ्रेंड, इट्स अ बैड मूवी। ऑडियंसेस आप सब लोग काफी एजुकेटेड हो, ये पॉलिटिक्स और ये जितनी भी चीजें इसके भंवर और इसके जाल में मत फंसो। वी आर एन एजुकेटेड बंच ऑफ पीपल, वी नो वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न दिस फिल्म इज अ वॉश आउट फिल्म। कल ये फिल्म उतर जाएगी थिएटरों में से, इतनी वीक फिल्म है। मैं देता हूँ इंदू सरकार को 1-2 जस्ट फॉर द ऑनेस्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स, द नसबंदी टॉपिक विद द गवर्नमेंट दैट टाइम डील सो फूलिशली एंड बैडली, एंड बिकॉज ऑफ कृतिक कुलहरीज अटेम्प्ट टू डू अ गुड मूवी। तो फ्रेंड मैं हूँ आमिर अंसारी, आप देख रहे थे बॉलीवुड दिस वीक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो ढेर सारे डिसलाइक दीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक अलग एपिसोड। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।